चंचल जी, आप मुंह में शब्द डाल करके जो है न्यूज निकलवाना चाहते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि मैं 5 बजे के पहले नहीं बोलूंगा, मुझे व्यवस्था देखने दीजिए। और तब तक जो है आप जो खिलाड़ी बाहर के आए हुए हैं हरियाणा के, उसमें सबसे ज्यादा हैं और राज्यों के खिलाड़ी हैं, उनसे अनुभव शेयर करिए कि सांसद जी कैसे है। सुविधा देखिए यहाँ की, फिर बात करिए। नहीं, जबरदस्ती लोग ले रहे हैं, फिर लगा दिए लोग। ये बल्गेरिया में आप सेम होटल में रुके थे, बल्कि ऐसा अलाउड नहीं होता, रूल्स के खिलाफ है। देखिए, रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते, रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है। ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाज़ा खुला था, खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। अब आप सब पूछ लेंगे, अरे सर बता दीजिए, नहीं भाई, अब मैंने बोल दिया है, जो बोलना था बोल दिया है, अब मेरे लिए कुछ रहने दीजिए। जो बैठक अयोध्या में होनी थी वो होगी, होगी परसों होगी, 22 को। सर ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आपसे कराया जाएगा जबरदस्ती, तो भूचाल आ जाएगा, ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? अब हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए, लेकिन सर अगर वो कह रहे हैं, भाई देखिए मैंने आपसे आपके एक प्रश्न का जवाब, एक सवाल सर, कि वो कह रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो जबरदस्ती कराया जाएगा, वो तो सब शाम को देंगे। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।